तो फिर किसकी वेट कर रहे हो? क्या इस देश का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? क्या वो हिंदू राज की घोषणा करेगा? कर हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया। ये लोग तो उस समय उनकी गुलामी करते थे। कोई भी बहुसंख्यक समाज का एक भी देश लूटने में नहीं है, एक भी देश से भागने में नहीं है, वो हमेशा इस देश के लिए लड़े हैं। जो हमारे को 1 लाख रुपए मिलता था, हमें 15,000 में बंधुआ मजदूर बना दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हमारे कहां नौकरियां दे रहे हैं हमारे लोगों को? इस देश में धर्म और जाति कभी ना गई थी ना जाएगी। जो आज हमारी ईवीएम के द्वारा वोट की ताकत खत्म कर दी गई है, आज हमारा आरक्षण छिन रहा है कि आज शूद्र कहने से काम नहीं चलेगा। आज ST SC OBC के हक अधिकार की आवाज उठाना। का प्रधानमंत्री ये कहता कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आरएसएस वाले बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 14 से लेकर 22 आ गया, 23 आ गया आपका, इस 23 साल के अंदर भी आज जो है 9 साल आपको हो गए सत्ता में बैठे हुए, आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, सारी सरकारी संस्थानें हिंदू, सभी मंत्री हिंदू हैं, तो फिर किसकी वेट कर रहे हो? क्या इस देश का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? क्या वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगा? मैं इस देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जब आप नोटबंदी में 8 बजे आकर नोटबंदी कर सकते हो, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा सकते हो, इसलिए अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप ईमानदारी से कहना चाहते हो, तो आज रात को 8 बजे आकर आप हिंदू राष् ट्र की घोषणा कर दीजिए। किसकी बात देख रहे हो आप? सत्ता में बैठे हुए आप लोग विरोध कर रहे हैं ना, दिक्कत ये है ना यार, विरोध क्यों नहीं करेंगे हम? हमें गुलाम नहीं बनना, हम कर्मयोगी हैं, देशभक्त लोग हैं, हम मूल निवासी हैं देश के। हमने आजादी से पहले मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया। ये लोग तो उस समय उनकी गुलामी करते थे, और आज भी देश की अंदर, चाहे वो पेट भरने का काम हो, देश की रक्षा का काम हो सीमा पर, चाहे वो वोट की ताकत से राज्य सरकार के अंदर सरकार बनाने का काम है, कौन बनाता है? लेकिन सर, हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है कि ये भाईचारा खत्म करने वाला है, आपस में लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करने वाले मामला, इसलिए हम लोग चाहते हैं देश में भाईचारा हो, मानवता हो। ऐसा है, अखंड भारत के अंदर यही अखंड भारत है। कोरोना काल के अंदर लाखों आदमी 1,000 किलोमीटर भूखे पेट भाग रहे थे, भूखे पेट मर रहे थे, ये अखंड भारत बनाने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल के अंदर कहाँ चले गए थे आप? तो कहीं ना कहीं ये लोग 24 की साधु संतों का सपना पूरा नहीं होने देंगे। देखो, साधु संतों का सपना थोड़ी है, सपना तो इस देश के कर्मयोगियों का, जो मूल निवासी है उन लोगों का है सपना, इस देश को आगे ले जाने का, और देश के अंदर हक अधिकार जो हमारा छिन रहा है 75 वर्ष से, उसको हक अधिकार दिलाने के लिए आज हमारे समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, और वो रोड पर निकल चुके हैं। आज पूरे देश के अंदर बहुसंख्यक समाज आंदोलन की तरफ चल रहा है। तो साधु संतो कसम खा रहे हिंदू राष्ट्र बनाने की, समाधि लेने के लिए तैयार है? देखो, ऐसा है, आज तक किसी भी साधु ने कोई समाधि नहीं ली। ये जो बागेश्वर बाबा को अब लाया गया, ये 24 की तैयारी है। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र में कहना चाहता हूँ, किसकी बात देख रहे हैं? जब इनकी सत्ता है, 9 साल से बैठे हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बनाएगा हिंदू राष्ट्र? मैं कहना चाहता हूँ, सनातन का प्रचार हो रहा है दुनिया में, एक ही देश है बचा हुआ सनातन। अरे यही सनातन है, 10 जो फीसदी लोग हैं मन्नूवादी लोग, सारे देश पे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं 75 वर्ष से, सारी देश की सरकारी संस्थानों पर कब्जा जमाए बैठे, सारी राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे, सारी मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे, यही सनातन धर्म है सर, वो काबिल यही है, यही मानवता है, वो सर काबिल है, वो पढ़े लिखे लोग, कौन कहता है काबिल है? आप जो है UPSC के अंदर कोई भी किसी भी साल का रिजल्ट देख लीजिए, रिटर्न के अंदर OBC ST ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नंबर 1 पर आते हैं, लेकिन जैसे इंटरव्यू अवस्था में जाते हैं उसी समय पे वही मन्नूवादी के लोग बैठे होते हैं। जो हमारा मेरिट में होता है उसको मेरिट से नीचे निकाल कर उसी 10% को मेरिट में लाकर उसको IAS बनाने का काम करते हैं। ये यही हमारे साथ चल रहा है। तो आक्षण के दम पे आगे जा रहे सर? हाँ जी, आक्षण के दम पे आता आगे जा रहे सर आप तो? अरे ऐसा नहीं है भाई, देखिए ये देश के अंदर चल रहा है, ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं कहना चाहता हूँ इस अमृत काल के अंदर 10 का 7 और 90 का विनाश करने का आप काम कर रहे हो। कौन मलाई काट रहा है देश के अंदर? कौन देश को बेक कर रहा है इस टाइम? कौन देश को लूट के भाग रहा है? कहाँ 28 बैंक से 12 हो गए, कहाँ 8 आने के लिए, कहाँ है? कोई भी बहुसंख्यक समाज का एक भी देश लूटने में नहीं है, एक भी देश से भागने में नहीं है, वो हमेशा इस देश के लिए लड़े हैं, इस देश को बचाने के लिए। हम अडानी का विरोध कर रहे हो आप लोग? मैं अडानी का बिल्कुल विरोध करता हूँ। 14 से पहले अडानी कहाँ था?
आज 14 से लेकर अब 23 के अंदर आज अडानी इस देश का नंबर वन नहीं पूरे वर्ल्ड में छठे सातवें नंबर पर आ गया था, आज 21वें नंबर पर आ गया। किसने बना दिया एकदम से? राष्ट्रवादी उद्योगपति है वो, राष्ट्रवादी उद्योगपति। वो राष्ट्रव्यापी नहीं, वो राष्ट्रद्रोही आदमी है। उसने सारी देश की सरकारी संस्थाने को जो है अपने अंडर लेकर हमारे लोगों को गुलाम बना दिया, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारा आरक्षण छीन रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। बाबा साहब का संविधान खत्म कर दिया है, कहां मान रहे हैं संविधान को? नौकरी दे रहे हैं डाने तो लोगों को। कौन नौकरी दे रहा है? जो हमारे को 1,00,000 रुपए मिलता था, हम 15,000 में बंधुआ मजदूर बना दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हमारे कहां नौकरियां दे रहे हैं हमारे लोगों को? सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसी की तो कल्पना कर रहे हैं। अरे ये रावण राज चल रहा है, किसने कहा ये राम राज आ रहा? राम राज होता तो सबका साथ सबका विकास और 90% लोगों को साथ लेकर चलते, आज क्यों हमारा आरक्षण खतरे में? राम राज आने नहीं दे रहे ना, विरोध कर रहे हैं ना देखिए। अरे कहा यार, फिर वही बात कर रहे हो आप, राम राज। अरे ये राम के नाम पर हम लोगों को बांट रहे हैं। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था कौन लोग थे मरने वाले, कौन थे आंदोलन करने वाले? हमारे ही SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे। एक भी वो जो आज ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए 16 व्यक्ति, उनमें आज एक भी हमारा नहीं है। क्यों मंदिर बनाना आपके लिए आपको? अरे भाई मंदिर नहीं, हमें अब शिक्षा का मंदिर चाहिए, हमें अब लोकसभा राज्यसभा और बड़ी IPS डॉक्टर इंजीनियर की तरफ चलना है। अब हमें घंटा बजाना नहीं है, अब हम लोगों को शिक्षित होकर देश के मेन डिपार्टमेंट पर, देश की सत्ता पर पहुंचने का काम करना है। हिस्सेदारी चाहते हो? बिल्कुल हिस्सेदारी चाहते हैं। सामने वाला तो कह रहा है कि जाति खत्म कर रहे हैं, जाति, और आप जो है फिर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। इस देश में धर्म और जाति कभी ना गई थी ना जाएगी। हमारे महापुरुष चाहे बाबा साहब रहे, परियार जी रहे, महात्मा ज्योतिबाई फूले रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे, लल्लू यादव रहे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। आज हमारे में 75 साल में कोई उन जैसा आज एक भी पैदा नहीं हो पाया, कोई वैसा प्रयास नहीं कर पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ जब हमारे महापुरुष नहीं खत्म कर पाए तो आज भी जाति और धर्म कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आज हम लोगों के बहुसंघ समाज के लोगों को क्या लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दी थी, जो EVM ने खत्म कर दिया गया, जो आज हमारी EVM के द्वारा वोट की ताकत खत्म कर दी गई है, आज हमारा आरक्षण छिन रहा है, आज हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, घोड़ी में बैठने पर हमारे को मार दिया जा रहा है, अंतिम संस्कार हमारा नहीं करने दिया जा रहा, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, उनके दोषियों को आज रिहा कर दिया गया। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर 10% के मनुवादी लोगों की सरकार चल रही है और वो हम लोगों के 90% लोग। प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, आप मनुवादी बता रहे? अरे भाई वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको पता है कि OBC 75 करोड़ इस देश में हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति OBC है, उन्होंने उसको डालकर OBC के अंदर और फिर OBC को बेवकूफ बनाया 14 के अंदर। मैं कहता हूँ वो नकली OBC हैं, अगर असली OBC होते तो आज SC ST से भी ज्यादा अगर किसी का हक छिन रहा है वो OBC का छिन रहा है। पिछड़ों को हो क्या गया? हर जगह विरोध करने शुरू कर दिया, बिहार दरबार बंद कर दिया आपने, धीरेन्द्र शास्त्री का वहां पे आप हर जगह ही विरोध करने लग गए। अरे धीरेन्द्र का ही नहीं, अब की बार जो है हम वोट की ताकत से भी और जन आंदोलन कर इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अब की बार हम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ है। ये जी मिट्टी मिला रहे हैं भूमाफियाओं को। यार ऐसा है, वो जो है जाति विशेष लोगों की सरकार है और वो बिल्कुल चुन चुन कर जो लोग उनको वोट नहीं देते, जो लोग इस देश के मूल निवासी है उन लोगों को टारगेट कर आपस में कमजोर करना चाहती है, उनको तोड़ना चाहती है। खासकर किसको? उत्तर प्रदेश में यादव को, मुसलमान को। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी विशेष नहीं, वो देश के लिए लड़ता है, इसलिए उनको पता है ये कभी हमारे साथ नहीं आएंगे, इसलिए इनको ऐसा टारगेट करो कि इनके लोग बढ़ जाएं। 24 तक राशन तो मिल रहा है ना मुफ्त? अरे वो राशन कहाँ से दे रहा है मुफ्त? हमारा ही, हमने ही तो उगाया। कौन उगाता है इस देश के अंदर? किसान कौन है? किसान मूल निवासी है, हमारे लोग है 90% लोग। जब संख्या मारी है, जब चुनाव हार जाओगे फिर कहोगे EVM में गड़बड़ है। हाँ तो EVM में गड़बड़ क्यों नहीं? कौन कहता है EVM में गड़बड़ नहीं है? कौन कहता है EVM में गड़बड़ नहीं है? EVM का मुद्दा आपने उठाया है कभी? हाँ EVM का मुद्दा अब इस 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के द्वारा एक जातिगत जनगणना और ब्लैट पेपर से चुनाव, EVM हटाओ, भाजपा भगाओ, EVM हटाओ, संविधान बचाओ, EVM हटाओ, वोट की ताकत बचाओ, लेकर पूरे देश के बहुसंख्यक समाज के संगठनों को लेकर करोड़ों लोग 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में पहुंचकर इस होने वाले संसद के सत्र में अपनी आवाज को उठाएंगे। आंदोलन कर रहे हैं, इससे ही तो BJP और वर्तमान सरकार कामयाब हो रही है, आपके आंदोलन से कोई फायदा तो हो नहीं रहा? देखिए ऐसा नहीं है,
अभी हमारे लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता लग गया कि पहले नंबर मेरा था, अब की बार उसका है, कहीं ना कहीं अगली बारी हमारी है, इसलिए बहुसंघ समाज के लोग अब उनके संगठन उनके नेता अब जागरूक हो चुके हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर इनको ईमानदारी से बनाना है, पहली बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदू राष्ट्र ना पहले था ना कभी बन सकता, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर हमारे लोगों को बांटकर भाईचारा खराब कर वोट लेकर और ईवीएम का इस्तेमाल कर प्रशासन का इस्तेमाल कर ईडी सीबीआई का अच्छे दिन ला रहे तभी तीन राज्यों में सरकार। तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं हमारे 14 से पहले वाले दिन लौटा दो, जो 500 रुपए की गैस थी, जो 60 रुपए का पेट्रोल था, जो हमारी सब्जियां सस्ती थी, हमारा सब कुछ सस्ता था, हमारे पास नौकरी थी, वो हमारे दिन लौटा दो। हम तो ये कह रहे हैं ये दिन अच्छे जो है आप अडानी अंबानी को आपने दे दिए और 90% लोगों के बुरे दिन आ गए। काम बोलता है मोदी जी का, तीन राज्यों में देखिए कैसे जीत गए। अगर ही देश की गोदी मीडिया ना सच्चाई दिखाने लग जाए तो काम नहीं है। उसने इस देश को कहा था मैं बिकने नहीं दूंगा, आज लगातार 14 से 23 के अंदर देश की गेल बेल रेल हवाई अड्डा बस अड्डा सब फेंक दिया। क्या कर रहा है ये इसलिए कर रहा है कि बहुसंघ समाज के लोग अब पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर IPS MLA MP बन रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ समय बाद ये लोग हिस्सेदारी मांगेंगे, ये हमारे साथ बैठेंगे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अरे अखिलेश जी को अब याद आई है जब सत्ता चली गई है, पहले तो वही मनुवादी उसके अगल बगल घूमते थे, घर में भी वही बैठे हुए हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन मुझे ये सच्चाई कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज शूद्र कहने से काम नहीं चलेगा। आज ST SC OBC के हक अधिकार की आवाज उठाना, उसके साथ उसको लेकर चलना, उसके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाना और उसको अपने साथ लेकर हर चुनाव के अंदर लेकर चलना पड़ेगा। जब अखिलेश जी की सत्ता में आएंगे, सूत्र बनने से नहीं आएंगे।